बारिश का मौसम आते ही दिल तो खुश हो जाता है और भीगने में भी बहुत मजा आता है, लेकिन बरसात का सुहाना मौसम कई बार तकलीफ का कारण भी बन जाता है। मौसम में बदलाव होने के साथ ही बीमारियां और परेशानियां भी सामने आने लगती है, तो ऐसे मौसम में खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो जानिए कैसे करें बरसात में खुद का बचाव। वायरल फीवर अक्सर बरसात के मौसम में फैलता है और अगर घर के एक सदस्य को होता है तो सबको होने का डर होता है। ऐसे में घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का खास ख्याल रखें, ज्यादा मच्छर होने की स्थिति में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बरसात के मौसम में अशुद्ध पानी और दूषित खाने के सेवन से डायरिया जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में शुद्ध जल और खान पान का इस्तेमाल करना चाहिए। एक जो बहुत कॉमनली इन्फेक्शन होता है मॉनसून में, वो होता है टाइफाइड। टाइफाइड फीवर इन्फेक्टेड पानी पीने से होता है, जो कि फीसेस से कंटामिनेट होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लोगों को प्यास लगती होती है और अनकॉन्टेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं। तो इसलिए इसमें जो सावधानी बरतने वाली जो बात होती है कि पानी को बॉइल्ड वाटर पिएं या प्योरीफाइड पानी पीजिएगा। कहीं लोकल एरिया से जब भी पानी पी रहे हैं उसमें बहुत संभल के, क्योंकि इसमें जो अगर इन्फेक्शन होता है तो बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, क्योंकि इसका इलाज बहुत सिंपल है और हो भी जाएगा। तो टाइफाइड फीवर पर खास ध्यान देना पड़ता है मॉनसून में। बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा फैल जाती है। ये बीमारियां इसलिए भी खतरनाक होती है क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का लार्वा नमी मिलते ही सक्रिय हो जाता है। जहां तक डेंगू वाली बात आती है, वो मच्छर के काटने से होता है आपको। तो घर के आसपास पानी जमने नहीं देना चाहिए। अगर कहीं पानी जम रहा है तो उसका केयर लें। कुछ लोग उसमें केरोसिन डाल देते हैं, पर ये कोशिश करिए कि जिससे पानी ना आसपास रहे, और नहीं तो अपने जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी आप लोग इन्फॉर्म करें, जिससे कि वो आपको हेल्प कर सकें। मॉनसून में और एक चीज़ जो हो सकती है वो मलेरिया हो सकता है, क्योंकि जहाँ भी मच्छर पनपेंगे, जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ मच्छर ग्रो करते हैं, और वो अगर आपको काटेंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसे टाइप की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन रहना है कि मच्छर से बचें। भले आप घर में नेट्स लगाएं या मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाएं, अपने आप को फुली कवर्ड रखें और पानी अपने घर के आसपास ना जमने दें, जिससे कि मच्छर अगर कम पनपेंगे तो आपको ये इन्फेक्शन भी कम होगा। बारिश के बाद ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना ज्यादा आता है, जिसकी वजह से स्किन पर धूल और प्रदूषण जमने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वाटरप्रूफ वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। दरअसल बारिश के दौरान पानी और कीचड़ से भरी सड़कों पर चलते समय पैरों को ही इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इससे पैरों में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि पैर जब भी पानी में भीगे, घर आने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। रोजाना पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाएं। कई बार ये मॉनसून में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए फंगल इन्फेक्शंस कॉमनली हो सकते हैं। स्पेशली जो ग्रॉइन वाला एरिया होता है या हमारा एक्जिला होता है, उन सब जगहों में फंगल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो सबसे पहला तो अपनी साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने आप को रोज नहाना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। ये डिओड्रेंट जो आप यूज़ करते हैं उसके साथ संभल के यूज़ करना चाहिए। हल्के गीले बाल बड़े नाजुक होते हैं, ये आसानी से टूट भी सकते हैं। ऐसे में मॉनसून के दौरान अपने बालों को तौलिए से थपथपाते हुए सुखाए और गीले बालों को ना तो खींचे और ना ही इन पर कंघी करें। स्कैल्प और बालों पर गुनगुने तेल की मालिश यानी हॉट ऑयल मसाज करें। तो बरसात से डरिए नहीं, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल रख पाए तो हम स्वस्थ रहेंगे और मौसम एंजॉय भी कर पाएंगे।